गुड इवनिंग गाइस, आज मैं न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ, कढ़ी मूठिये। हमारे इधर मूठिये, मैं मूठिये बनाऊँगी, लौकी के मूठिये बनाऊँगी और आज आपको मैं कढ़ी बनाना भी सिखाऊँगी। और कहाँ कहाँ से आप देख रहे हैं वो भी, और मैंने बोला था कि आपको मुझे सपोर्ट की, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, उससे मुझे सपोर्ट मिलता है। कढ़ी बनाने के लिए अपन को किन किन इंग्रेडिएंट की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आप लेंगे दही, अगर आपके पास छाछ हो तो वो भी आप ले सकते हैं, छाछ से बहुत अच्छी बनती है। मेरे पास छाछ नहीं थी इसलिए मैं दही से कढ़ी बनाऊंगी। ये है हींग, थोड़ी सी हींग लगेगी। तड़के के लिए तड़का, कड़ी पत्ता और राई और नमक स्वाद अनुसार। अब अपन और बेसन मैंने ले लिया है, आपको जिस क्वांटिटी के हिसाब से बनानी है वैसे बनाना। मैं 3 जनों के हिसाब से कढ़ी बना रही हूँ। अब ये जो बेसन लिया है उसको आप मिला लेंगे, उसमें आप नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद आप इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, हींग से फ्लेवर अच्छा आता है। और फिर उसके बाद आप इसको मिक्स करने के बाद आप इसमें कर्ड डाल देंगे। कर्ड डालकर आप मिक्स कर लेंगे। कर्ड मेरी कटोरी में थोड़ा सा रह गया है इसलिए मैं उसी में थोड़ा सा पानी डाल दूँ। कढ़ी में पानी ज़्यादा ही डलता है उसका आप टेंशन मत लेना। अब इसको आप मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करेंगे जिससे अपना इसमें कोई गांठ ना रहे। अच्छे से मिक्सर की मदद से आप मिक्स कर लेंगे। सब अपने घर पे कढ़ी अलग अलग तरह से बनाते हैं, मैं इस तरह से बनाती हूँ, आप किस तरह से बनाते हैं वो भी मुझे बताना। और जो जिस तरह से मैं बना रही हूँ वो आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए मिक्स हो रहा है, मिक्स होने के बाद इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपका रहना नहीं चाहिए कोई भी गांठ, आपकी इसमें नहीं रहनी चाहिए, पानी आप और मिला सकते हैं। मैंने हाफ कटोरी कर्ड दिया था और हाफ लोटा मैंने इसमें पानी डाल दिया है और 1/3 मैंने 1/4 मैंने बेसन लिया था। हमारे राजस्थान में कढ़ी पतली ही होती है और आज मैं कढ़ी और मूठिये बना रही थी डिनर में, तो मुझे लगा क्यों ना मैं आज आपको कढ़ी मूठिये बनाना सिखा दूँ। अब ये मिक्स करने के बाद आप पैन चढ़ा देंगे। पैन चढ़ाने के बाद आप इसमें 2 टेबलस्पून तक घी डालेंगे। इसको आप घी में ही बनाना क्योंकि घी में इसका टेस्ट, कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। घी डालते ही आपका जब घी गर्म हो जाए उसके बाद आप राई डाल दीजिए। राई डालने के बाद आप राई तड़क जाने दीजिए। आपकी राई तड़क जाए उसके बाद आप इसमें हींग डालिएगा। अभी तड़की नहीं है, अभी आप थोड़ा इंतज़ार करिए। थोड़ा वेट करिए आपकी, देखो धीरे धीरे आपकी राई जब तड़क जाए उसके बाद आपको क्या प्रोसेस करना है, उसके बाद आपको हींग डालनी है। इस बात का ध्यान रखिए। देखिए गाइस, अपनी राई तड़क चुकी है,
अब उसके बाद आप हींग इसमें भी तड़के में भी डालेंगे। अपन का प्रोसेस अभी तड़का लगाना नहीं हो रहा है, इसके बाद भी तड़का लगेगा। ये अभी अपनी कढ़ी बॉईल होगी, इसके बाद आप कढ़ी पत्ता डाल दीजिए। कढ़ी पत्ता डालकर आप उसको हिला लीजिए, देखिए आपका जलेगा। इसके बाद जो अपन ने ये बैटर जो तैयार किया था कढ़ी का, वो इसमें आप छन्नी में छान कर डाल दीजिए, जिससे कोई लम्स नहीं आएंगे। ये मैं इजी तरीका बता रही हूँ जिससे आप आसानी से बना पाएंगे। देखिए जो भी इसमें मिलाने में अगर कुछ रह गया होता है तो वो अपन ने इसके अंदर आ जाता है। अब मैंने थोड़ा पानी और डाल दूंगा क्योंकि इसमें पानी कढ़ी में पानी डलता है। अब ये बॉईल, जब तक बॉईल नहीं आता है जब तक आपको स्टेयर करना है, अच्छे से आपको हिलाते रहना है। क्या होता है, ये बेसन है, बेसन की कढ़ी बनती है तो बेसन ऑलरेडी थिक कर देता है आपकी कढ़ी को, इसलिए पानी इसमें डलता है। अब आपका बॉईल आने तक आपको लगातार आपको स्टेयर करना है, क्योंकि ये अगर आप हिलाओगे नहीं तो इसमें गाँठें पड़ जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखना। अगर नहीं हिलाएंगे तो इसमें गाँठें पड़ने लग जाएगी, इसलिए आपको कंटिन्यूसली हिलाते रहना है, जैसे मैं हिला रही हूँ, हिलाते रहना है जब तक आपका बॉईल ना आए। आपको आँच मीडियम ही रखनी है, आप तेज कर दीजिए, तेज कर रहे हैं तो आप कंटिन्यूसली हिलाइए, वरना आपका चिपक सकता है और गाँठें पड़ सकती है। देखिए ऐसे हिलाती रहिए, ऐसे हिलाना है। देखिए गाइस अपनी कढ़ी में बॉईल आ गया है, इससे उसके बाद आप हिलाना इसको बंद कर सकते हैं और आप इसको बॉईल होने दीजिए अच्छे से, और धीरे स्लिम आँच पे आप इसको रख दीजिए। जब तक आपकी ये कढ़ी बॉईल होती रहेगी जब तक अपन मूठिये बनाने का प्रोसेस चालू करते हैं। इसको आप साइड में रख दीजिए। ये देखिए गाइस मैंने उसको कढ़ी को साइड में रख दिया है, वो बॉईल होती रहेगी जब तक अपन मूठिये बनाते हैं। मूठिये के लिए आप एक भगोना चढ़ा लीजिए, उसमें पानी बॉईल होने दीजिए। उसके बाद आप जो आपने ये आपने कसी थी लौकी कसी थी, उसका आप पहले इसमें से पानी निकाल लीजिए। पानी निकाल कर आप इसको जिसमें आप लगा रहे हैं उसमें आप कूद कर उधर रख दीजिए। देखो कितना पानी निकलता है। नमक डालकर आप इसको रख देंगे तो इसका कलर भी चेंज नहीं होएगा। मुझे जल्दी जल्दी बताना था इसलिए मैं भूल गई, आपको ध्यान रखना है। अब आपको पूरा वाटर इसमें से निकाल देना है लौकी में से। और अगर लौकी का पानी नहीं भी निकालना चाहो तो आप उसी पानी से आप अपना डो तैयार कर सकते हैं मूठिये का, पर वो आपको थोड़ा गीला पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको से वो निकाल दिया पानी। ये देखिए पानी निकाल दिया है मैंने, देखिए गाइस मैंने पानी निकाल दिया है। पानी निकालने के बाद देखो आपका एक भगोने में वो हो रहा है। पानी निकालने के बाद लौकी रख कर दिए ग्रेट अपन, उसके बाद अपन इसमें आटा डालेंगे। आटा आपको थोड़ा ही डालना है। आटा डालने के बाद आप इसमें सारे मसाले मिक्स करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए गाइस कौन कौन से मसाले डालेंगे इसमें, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा सा मिर्ची डाल दीजिए, मिर्ची आप किस हिसाब से खाते हैं वैसे डालिए,
और उसके बाद आप नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, ठीक है। अब ये देखिए मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं और उसके बाद आप इसको मिक्स कर लीजिए, अपने हाथों से मिक्स कर लीजिए साटे को। मूठे सब अलग फॉर्म में बनाते हैं, आप किस तरह से बनाते हैं वो भी मुझे बताना। ऐसे करने से आपकी पूरी लौकी इसमें आ जाएगी और ये आप अपने बच्चों को स्नैक्स के रूप में भी खिला सकते हैं और इस ये एक तरह से हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। बच्चे जंक फूड खाना पसंद करते हैं तो अपन अगर इस तरह से अपने बच्चों को खिलाना चाहेंगे तो बच्चे को टेस्टी भी लगेगा और बच्चे खाएंगे भी। ये देखिए सारा मिक्स करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डालिए, 2 स्पून ऑयल डालने के बाद आप इसको मिक्स कर दीजिए। ये देखिए अब इसको अपन जैसे अपन आटा लगाते हैं वैसे अपन आटा लगाएंगे। पानी लेंगे थोड़ा, जब ही मैं कह रही थी कि अगर आप लौकी का पानी है आपके पास, लौकी गीली है तो आप उसमें भी भूज सकते हैं उसी पानी से। और ये देखिए एक साइड में अपना पानी गर्म हो रहा है, उसका भी आप ध्यान रखिएगा। मैं गूंथ कर आपको बताती हूँ, मूठे का आटा गूंथ कर बताती हूँ। देखिए गाइस अपना मूठे का आटा लग गया है, बहुत सॉफ्ट लगा है, इस बात का ध्यान रखना। थोड़ा सा नॉर्मली लगाना, इससे क्या सॉफ्ट बनते हैं मूठे, थोड़ा सा जैसे अपन आटा लगाते हैं वैसे ही लगाने हैं और फिर अपन गट्टे जैसे बनाते हैं ना वैसे अपन को ऐसे लंबे लंबे ऐसे बना देना, फिर अपन इसको कटिंग कर कर फ्राई करेंगे। पर बॉइलिंग के लिए आपको ऐसे कर कर डालना है। ये देखिए देखो दिख रहा है, इस तरह से आपको गर्म पानी में डाल देंगे। ये देखिए, ये देखिए ये देखिए बॉईल हो रहा है, अपन ने सारे मूठे बनाकर इसमें डाल दिए हैं। ये देखिए अब इसको अच्छे से बॉईल होने देना। बॉईल ये होएगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये सब ऊपर आ जाएंगे, इट्स मीन्स आपका ये बॉईल हो चुका है। एक तरफ अपनी कड़ी भी बॉईल हो चुकी है, अब इसमें कड़ी में अपन तड़का तैयार करते हैं। देखिए गाइस तड़के के लिए अपन पैन चढ़ाएंगे, पैन में घी डालेंगे। मैंने बोला था घी में कड़ी में घी बहुत अच्छी लगती है। और अब घी चढ़ाने के बाद उसमें राई डालेंगे। राई अपन ने ऑलरेडी डाल रखी थी तो अपन थोड़ी सी ही राई डालेंगे, ज़्यादा राई नहीं डालेंगे क्योंकि अपन पहले ऑलरेडी डाल चुके हैं। ये अपन तड़का लगा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब राई तड़क जाने के बाद आप इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता भी अपन डाल चुके हैं। ये देखिए राई और जीरा को चुका अपना, अब इसमें अपन ने कड़ी पत्ता डाल दिया। कड़ी पत्ता डालने के बाद अपन इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट कड़ी में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप नहीं खाते हैं लहसुन तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अब ये हिलाने के बाद ये देखिए अब आपका लहसुन और अदरक हो चुका है। फिर आप हरी मिर्ची डाल दीजिए, उसमें आप लाल मिर्ची डालिए। लाल मिर्ची के बाद आप थोड़ी सी हल्दी डालिए कलर के लिए और फिर थोड़ा सा पानी डालकर आप इसको मसाले को पका लीजिए। मसाले पक जाने के बाद आप इस तड़के को आप अपनी कड़ी में मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए। मिक्स कर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए गाइस अपनी कड़ी में अपन ने तड़का डाल दिया है, अब इसको मिक्स कर दीजिए। अपनी कड़ी तैयार है, एक साइड बॉईल आने दीजिए, फिर इसमें धनिया डाल दीजिए, आपकी कड़ी रेडी है। अब जो अपन ने मूठिए बनाए थे बॉईल किए थे वो बॉईल हो चुके हैं, उसके बाद आप इसको कटिंग कर लीजिए जैसे आप गट्टे कटिंग करते हैं, मैं आपको बताती हूँ।
देखिए गाइस अपनी एक तरफ कढ़ी रेडी हो गई है। अब अपन मूठिये में तड़का लगा रहे हैं। देखिए ऐसे कटिंग करना है गट्टे गट्टे के फॉर्म में मूठिये को, और फिर अपन इसमें तड़का लगाएंगे। सबसे पहले अपन ऑयल डालेंगे। ऑयल डालते ही आप ऑयल को गर्म होने दीजिए। गर्म होने के बाद इसमें राई डालिए। देखिए जीरा डाला। जीरा डालने के बाद आप इसमें प्याज डालेंगे। देखिए जीरे को अच्छे से होने दीजिए, फिर आप इसमें प्याज डालिए। प्याज डालने के बाद आप इसको मिक्स करिए। ये देखिए मिक्स होने के बाद आप अपने मूठिये जो आपने किए थे वो डाल दीजिए। मूठिये डालने के बाद अपन इसमें मसाले डालेंगे। मसाले में अपन लाल मिर्ची डालेंगे। लाल मिर्ची आप किस तरह से खाते हैं, अगर आप कम खाते हैं तो कम डालिए, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए। नमक डालने के बाद आप इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। मिर्ची डाल दी, हल्दी डाल दी, अब नमक डालेंगे। नमक डालकर थोड़ा सा मिला लेंगे। ये देखिए आपने सारे मसाले मिला दिए हैं, मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप थोड़ी देर इसको पकने दीजिए। जैसे ही आपका मसाला पक जाए इसमें आपके मूठिये रेडी। ये देखिए गाइस अपनी कढ़ी मूठिये रेडी है। सर्व कर मैंने दिखाया है। अब आप मूठिये खाकर आप देखकर मुझे बताना कि आपको ये कढ़ी मूठिये की रेसिपी कैसी लगी, और आप भी बनाना जैसे मैंने बताया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके।